चिकित्सकों के बंद का मिला जुला असर। राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी का आज प्रदेश व्यापी बंद है। जयपुर में अधिकांश बड़े निजी अस्पतालों में नहीं दिख रहा बंद का असर। हालांकि सोसाइटी ने बंद रखने वाले 150 अस्पतालों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में शामिल अस्पतालों में जरूर बंद का असर देखने को मिल रहा है। सोसाइटी के आह्वान पर चिकित्सक दोपहर में जेएमए में एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति को लेकर चिकित्सक चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निजी चिकित्सकों के बंद का मिला जुला असर नजर आ रहा है। विकास हमारे साथ सहयोगी खबर पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है, कितने अस्पताल जो हैं उनमें असर देखने को मिल रहा है बंद का? देखिए निगा, अगर बात करें राइट टू हेल्थ की, तो संगठन जो है चिकित्सकों के, उनमें अधिकांश बड़े संगठन है, उन्होंने इस आंदोलन से अपनी दूरी बनाई है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी का जो आज आह्वान था, उसका जयपुर के अंदर मिला जुला असर पड़ रहा है। लेकिन अधिकांश बड़े निजी अस्पताल है, वहां पर कामकाज जारी है। लेकिन सोसाइटी ने 150 के आसपास ऐसे अस्पतालों से जारी किए जहां पर कामकाज बंद रखा गया है, और वो इस सूची के जरिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी चिकित्सक जो है सोसाइटी जुड़े हुए, और सभी चिकित्सक के 12 बजे के आसपास जेएमए में एकत्र होंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन अभी की बात करें तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जिस तरह का विरोध जो पहले देखने गया था, उस तरह का विरोध संभवतः आज देखने को नहीं मिल रहा है। जो बड़े अस्पतालों में कामकाज जारी है, जिसके चलते मरीजों को भी कोई खासी दिक्कतें जो है अभी इस आंदोलन के चलते झेलने नहीं पड़ रही। जी विकास, जिन अस्पतालों में ये असर देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर मरीजों को दिक्कतें भी हो रही होंगी। देखिए ये जो अस्पताल बता रहे हैं, 150 के आसपास जो अस्पताल बता रहे हैं, उनमें से अधिकांश अस्पताल वो है जहाँ पर रूटीन ओपीडी काफी कम रहता है और मरीजों को इसीलिए, और जो बड़े अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहां पर कामकाज जारी है। सब लोग वहां पर भी जा रहे हैं क्योंकि अगर आसपास के अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है तो वो बड़े अस्पतालों को रुख कर रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कोई खासी दिक्कत मरीजों को इस आंदोलन से देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।